सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूँ पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मशहूर गिरगांव चौपाटी पर। आज बापा की विदाई हो रही है, महाराष्ट्र का महापर्व, 10 दिनों का महापर्व आज खत्म हो रहा है विदाई के साथ। 11वां दिन है आज, अनंत चतुर्दशी के दिन बापा विदा ले रहे हैं और आप गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें देख सकते हैं। भक्तों का जन सैलाब यहाँ पर दोपहर से ही उमड़ा नजर आ रहा है। सबसे बड़ी और भव्य प्रतिमाएं जो है मुंबई शहर की, दक्षिण मुंबई के इसी गिरगांव चौपाटी में लाई जाती हैं विसर्जन के लिए और हर एक मूर्ति के साथ आप सैलाब भक्तों का देख सकते हैं। छोटी मूर्तियां भी लाई जाती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा खास ये जगह है बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए और वो तमाम लोग जो पंडालों में जाकर बापा के दर्शन नहीं कर पाते हैं 10 दिन, वो खासतौर से गिरगांव चौपाटी पहुँचते हैं आज के दिन ताकि अलग अलग प्रतिमाओं के उन्हें दर्शन हो जाए। और आप देख सकते हैं एक से एक प्रतिमाओं कि यहाँ पर झड़ी है, एक कतार में किस तरह से लोग जा रहे हैं। एक तरफ प्रतिमाओं के जाने के लिए जगह बनाई गई है क्योंकि आज बताया जा रहा है कि रात में, देर रात में हाई टाइड भी आ सकती है समंदर में, इसीलिए कोशिश है कि उससे पहले मूर्तियों का विसर्जन कर दिया जाए ताकि लोगों को समस्याएं ना आए। तो आज मुंबई की सड़कों में दिन भर अलग अलग खूबसूरत प्रतिमाओं की रंगोली बनी हुई दिखी। 4 लाख से ज़्यादा के करीब भीड़ श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान लगाया गया है जिनकी सुरक्षा में 24,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे ड्रोन की मदद से लोगों की सुरक्षा बनाई रखी गई और आप देख सकते हैं किस तरह से ह्यूमन चेन बनाकर यहां पर मदद की जा रही है, कोशिश की जा रही है किसी तरह से भगदड़ की स्थिति ना हो क्योंकि गिरगांव चौपाटी में कुछ ऐसी ही भीड़ लोगों की नज़र आती है। और छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं मंच पर यहाँ पर हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी यहाँ पर पहुँचे थे गिरगांव चौपाटी पर और बच्चे यहाँ पर बेहद उत्साह इनके अंदर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और फूलों की बारिश कर रहे थे प्रतिमाओं पर आप लोग। तो आज का दिन आप लोगों के लिए क्या है? बड़े लोगों से तो हम बात करते हैं, उनकी भावना समझते हैं, आस्था समझते हैं, आप बच्चों में क्या एक्साइटमेंट होता है आज के दिन? बहुत एक्साइटमेंट होता है। क्या क्या करते हो आप? हम हमारे खुद के घर के गणपति के विसर्जन करते हैं, हम हमारे बिल्डिंग में लड्डू पेड़े बांटते हैं और बस गणपति बहुत बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, हमें इस त्यौहार को मनाने में बहुत मज़ा आता है। मजा क्यों आता है? क्या क्या करते हैं आप? दोस्तों से मिलते हैं और क्या क्या होता है? स्कूल में हम दोस्त से मिलते हैं, हम इससे बात करते हैं और हमें मजा आता है बहुत। मैम आप लोग क्या कहोगे मुंबई के लिए, ये जो पर्व है अपने आप में एक इमोशन की तरह नजर आता है, 10 दिनों का जो ये पर्व है सब एंजॉय करते हैं, कोई भी उम्र हो, कोई भी एज हो। क्या खास है मुंबई के लिए ये पर्व, क्या है गणेशोत्सव, क्या है महाराष्ट्र के लिए पर्व, क्या है? बस ऐसा पूरा वर्ल्ड में नहीं देखने को मिलता है, इतना है एकदम अलौकिक बोलते हैं ना हमारे गुजराती में ऐसा। बहुत स्पेशल है और ये सिर्फ साल में एक बार आता है तो बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता है, तो ये बहुत स्वर्ग जैसा है। और आज के दिन जब बापा विदा लेते हैं तो बहुत लोग इमोशनल भी दिखते हैं, आज की फीलिंग क्या होती है विसर्जन की फीलिंग क्या होती है? बहुत उदास होती हूँ मैं और रोने का आता है, बहुत रोने को आता है। हमारे घर में भी पहले आता था गणपति, अभी 2 साल से नहीं आता है, मगर जब भी आता था अभी उसको विदाई देते तभी हम बहुत रोते थे। तो आप देख सकते हैं ये भावना है लोगों के अंदर विसर्जन के दिन और एक से एक प्रतिमाएं आप देखें एक के बाद एक विसर्जन के लिए आगे बढ़ती हुई। तो समंदर किनारे लाइफ गार्ड जो है उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि मदद मिल सके उन लोगों को विसर्जन के लिए, क्योंकि बड़ी मूर्तियां हैं, थोड़ा लहर के अंदर तक उनको जाना पड़ता है, तो उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लाइफ गार्ड की भी मौजूदगी है। तो आप गिरगांव चौपाटी की तस्वीरें देख रहे हैं और आइए सबसे पहले शो में दिखाते हैं किस तरह से गणपति विसर्जन के दिन मुंबई में जोर शोर से लोगों ने बापा को विदा किया लेकिन नम आंखों के साथ। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। धूमधाम से विराजे बप्पा अब धूमधाम से विदा हुए, विशाल प्रतिमाएं, रंगीन पोशाकें, आतिशबाजी और श्रद्धालुओं का जन सैलाब।
महाराष्ट्र का महापर्व गणेशोत्सव इस भव्य स्वरूप के साथ खत्म हुआ। सबसे मशहूर लालबाग के राजा की सवारी हमेशा की तरह सबसे मनमोहक दृश्य के साथ निकली। नवे साल पुराने गिरगांव के राजा की 21 फुट की इको फ्रेंडली प्रतिमा खासा आकर्षण का केंद्र रही। बीएमसी और मुंबई पुलिस की जो तैयारियां हैं वो कड़ी कर दी गई है और ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए लोगों पर नजर भी रखी जा रही है। तमाम बड़ी मूर्ति आज अरब सागर की ओर प्रस्थान करेंगी, जिसको लेकर लाइफ गार्ड्स की भी तैनाती हर जगह की हुई है। मुंबई शहर के तमाम पंडालों में विराजमान गणेश जी की प्रतिमाएं अब निकल चुकी हैं अपने अपने पंडालों से। आप स्क्रीन पर ये जो गणपति प्रतिमा देख रहे हैं, इन प्रतिमा को गिरगांव के राजा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण मुंबई का इलाका है गिरगांव, किसी वक्त में ये मिलों के लिए मशहूर था। और यहाँ पर ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये बीते 97 सालों से यहाँ पर प्रतिष्ठापित की जा रही है। बड़ी ही खूबसूरत मूर्ति है और इस मूर्ति की विशेषता ये है कि ये पूरी तरह से मिट्टी से बनाई गई है। ये इस वजह से मिट्टी से इसको बनाया गया है ताकि पर्यावरण का ध्यान रखा जा सके। इसी विशेषता की वजह से, इसके इको फ्रेंडली होने की वजह से, अब से चंद साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी इनका जिक्र किया था। मुंबई की ज्यादातर मशहूर और बड़ी भव्य प्रतिमाएं दक्षिण मुंबई की इस गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन के लिए लाई जाती हैं। यहां हजार से ज्यादा गणपति मूर्तियां विसर्जित हुई। श्रद्धालुओं दर्शकों का हुजूम देखते देखते बढ़ता गया। कड़ी धूप तेज गर्मी में भी पूरे उत्साह से दर्शन के लिए लोग खड़े रहे, खुश दिखे और भावुक भी। मुंबई के मशहूर गिरगांव चौपाटी में इस वक्त मौजूद हैं, जहां तमाम बड़ी प्रतिमाएं पहुंचती हैं विसर्जन के लिए। और देख सकते हैं आप कड़ी धूप में भी यहाँ पर किस तरह से लोग इकट्ठा हैं बड़ी प्रतिमाओं के दर्शन के लिए, क्योंकि एक साथ तमाम मशहूर पंडालों के बापा के दर्शन हो जाते हैं। एक एक करके बड़ी प्रतिमाएं यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं और आज ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 11 बजे से पहले ही बड़ी प्रतिमाओं को समंदर किनारे लाया जाएगा और उन्हें विसर्जित किया जाएगा, क्योंकि रात 11 बजे से हाई टाइड का अंदेशा है। लोग कहाँ से आए हैं? हम घाटकोपर से आए। तो आप विसर्जन देखने के लिए आए हैं? विसर्जन हर साल आती हैं? हाँ, हर साल आती हैं। आज के दिन क्या खास होता है आप लोगों के लिए? एक करके कई प्रतिमाएं दिख जाती हैं एक बार में, दर्शन बहुत प्रतिमाएं, हाँ दर्शन होते हैं, बड़े बड़े गणपति देखने को मिलते हैं। हाँ। छोटे छोटे भी गणपति आते हैं ना घर के, तो वो भी देखने को मिलते हैं। आप लोग कहाँ से आए हो? हम अकोला से आए हुए गणपति देखने के लिए। तो आज यही पे गिरगांव चौपाटी में ही रहेंगी या दूसरे लोकेशन पे भी जाएंगी? नहीं नहीं, यही पे ही आए हैं, क्योंकि सारे मशहूर जो प्रतिमाएं हैं इधर ही आती हैं। लालबाग के राजा की प्रतिमा हो या फिर गणेश गली की प्रतिमा हो या फिर चिंचपोकली के राजा हो, इधर ही लाए जाते हैं आप लोगों के लिए। अभी तो देर है, अभी और जैसे जैसे समय बीतेगा तो और प्रतिमाएं आएंगी, प्रतिमाएं आएगी। और जब जब जाते तभी ऐसे बहुत दुख होता है कि 10 दिन 11 दिन हमने उसका स्वागत किया, आरती की सब की, और जाते समय फिर बहुत परेशान है। और एक जयकारे तो लगातार लगते रहते हैं कि गणपति बप्पा मोरया पुरचा वर्षी लोकर, यानी अगले साल आप जल्दी आइए। तो कितनी प्रतिमाओं के दर्शन हो चुके हैं? कितने प्रतिमा का दर्शन कर चुकी हैं आप? कितने मूर्ति? दो चार हुआ। कब तक रहने का प्लान है? अभी एक दो घंटा। गणपति बप्पा मोरया पुरचा वर्षी लोकरिया। परळचा महाराजा, परळ मार्केट। ये बताइए आज का दिन कितना भावनात्मक आप लोगों के लिए, क्योंकि बापा को विदा करते हैं? अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ये दिन आना नहीं चाहिए। अगले साल ऐसे ही बोलते ना, पुढच्या वर्षी लवकर या गणपती बाप्पा मोर या।
वहीं जुहू चौपाटी पर भी प्रतिमाओं के साथ भक्तों का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हुआ है, अब तक पूरे मुंबई में तकरीबन 7 से 8 हजार गणेश प्रतिमाएं विसर्जित की जा चुकी है। इस समय हम जुहू समुद्र तट पर हैं और देखिए ये गणेश जी की एक मूर्ति है जो कि विसर्जन के लिए समुद्र के अंदर ले जाई जा रही है। एक मूर्ति पहले से वहाँ कतार में है विसर्जन के लिए, और इस तरफ देखेंगे तो जो लोग हैं जो घरों में अपने गणपति बिठाते हैं उन लोगों की छोटी जो गणपति है वो यहाँ पर विसर्जन के लिए यहाँ पर ले जाई जा रही है। और यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है जुहू चौपाटी पर, कि आज पर्यटकों को जुहू चौपाटी पर अमूमन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो घूमने वाले लोग हैं पर्यटक हैं उन पर आज पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ वही लोग आज यहाँ पर गणेश इस जुहू तट पर आ पा रहे हैं जिनके के गणेश प्रतिमाएं हैं जो विसर्जन के लिए आ रहे हैं। खुशी भी है, रोना भी आ रहा है, दोनों ही साथ में है। बहुत बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ही शुभ कार्य हुआ है इस 11 दिन में, तो मैं तो इस बार बहुत ही खुश हूँ। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई की सड़कों पर विसर्जन के दिन 4 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटी। इन्हें संभालने के लिए 24,000 से ऊपर पुलिस वाले तैनात रहे, 12,000 से ज्यादा बीएमसी कर्मचारी व्यवस्था बनाने में लगे रहे। तो गिरगांव चौपाटी, दादर, बांद्रा, जुहू, वर्सोवा, पवई झील और मड आइलैंड जैसी विसर्जन की जगहों पर ड्रोन और 8,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी रखी गई और मुंबई ने शान से अपने बापा को विदा किया। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। क्या जानवरों के जरिए रेल हादसे कराने की साजिश की जा रही है? दिखाएंगे आपको ये पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। प्रदेश के करते हैं जहां जानवरों के जरिए रेल हादसा कराने की साजिश की जा रही है, ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी पल्लव। उत्तर प्रदेश में अब जानवरों के जरिए रेल हादसे कराने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल दिल्ली लखनऊ मार्ग पर एक ही रात को एक ही जगह पर 3 बार पशु 3 ट्रेनों के सामने आए जिसके कारण उनकी कटकर मौत हो गई। कुल 13 पशुओं की मौत हुई है। पहला मामला है रात 9:35 का, जब अलीगढ़ बरेली पैसेंजर वहां से गुजर रही थी तो दबतोरी रेलवे स्टेशन के पास जो है 3 पशु ट्रैक पर आ गए जिसके कारण उनकी कटकर मौत हो गई। उसके बाद रात को 10:27 पर एक मालगाड़ी गुजर रही थी, उसके सामने 5 पशु आए, उनकी कटकर मौत हो गई। उसके बाद रात को 11:35 पर सद्भावना एक्सप्रेस गुजर रही थी, उस दौरान 5 जो पशु थे वो खड़े थे और उनकी कटकर मौत हो गई। पूरे मामले की जो है अब जांच की जा रही है और जो रेलवे ट्रैक के बगल रात को ही जो है आरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई। हालांकि इस कारण जो है न सिर्फ रेल मार्ग लंबे समय तक बाधित रहा बल्कि कई ट्रेनों का जो परिचालन था वो भी ठप रहा। हालांकि बाद में जब रेलवे अधिकारी को सूचना मिली वो पहुंचे, उन्होंने पूरे मार्ग को खाली कराया और साफ करके जो अवशेष थे उसको हटाया और फिर जो है ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाया। लेकिन जो रेल सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक ऐसा पहली बार ये मामला सामने आया है जब जानवरों के जरिए हादसे कराने की कोशिश की जा रही है और उनको आशंका है कि इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं उसके पीछे कौन है। हालांकि अब तक कौन इसके पीछे है वो सामने नहीं है, लेकिन पूरे मामले की जांच जो है जारी है। लेकिन पीछे लंबे समय से ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल उठ रहा है और रेल ने कई बड़े कदम उठाए हैं जिससे जो ट्रेनों की सुरक्षा है वो की जा सके। नई दिल्ली से NDTV के लिए पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन है बप्पा की विदाई का दिन, तो जाते जाते छोड़े जाते हैं मुंबई के गिरगांव चौपाटी की तस्वीरों के साथ भक्तों का जन सैलाब और एक के बाद एक प्रतिमाएं विसर्जन के लिए आगे बढ़ती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में कई बड़े फैसले किए, इनमें बाढ़वर बंदरगाह की अनुमति से लेकर आधारशिला रखना भी प्रमुख रहा। यूं तो जो ये योजना है वो 1991 की थी, लेकिन इस पर काम आगे नहीं बढ़ा तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। कैबिनेट में पीएम मोदी ने न सिर्फ इसको मंजूरी दी बल्कि आधारशिला रखने के लिए खुद पालघर जिले में पहुंचे थे। सुनील सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और दुनिया के 10 बड़े बंदरगाहों में से एक, जो बनने जा रहा है महाराष्ट्र में पालघर जिले के वाढवण।
ये मुश्किल काम संभव हो पा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से। इसका प्रस्ताव तो 1991 में ही रख दिया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक यानी तकरीबन 33 वर्षों तक सिर्फ फाइलें घूमती रही। इस साल जून महीने में कैबिनेट की मंजूरी मिली और अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पालघर आकर एक भव्य समारोह में इसकी आधारशिला रखी। इन अवसरों का पूरा लाभ महाराष्ट्र को और देश को मिले, इसके लिए आज वाढ़वण पोर्ट की नींव रखी गई है। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। आज देश के सभी कंटेनर पोर्ट से जितने कंटेनर आते जाते हैं, पूरे देश के टोटल की मैं बात कर रहा हूं, आज जितने टोटल आते जाते हैं उससे ज्यादा कंटेनर का काम अकेले वाढ़वण पोर्ट पर होने वाला है। वाढ़वण गांव समुद्र के किनारे है, जहां समुद्र की गहराई ज्यादा है। यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही रेल मार्ग, नेशनल हाईवे और डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर है, जो अभी बन रहा है। यहां बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो पोर्ट है ये बेसिकली कंटेनर पोर्ट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 23.2 मिलियन TEUs कंटेनर कैपेसिटी है। तो जो देश का जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया है वो वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ सेंट्रल है और नॉर्दर्न है, तो 75% एग्जिम कंटेनर ट्रैफिक इन्हीं एरिया से निकलती है। और आज जो बंदर है, जो JNPA हो या मुंद्रा हो, ये अगले 5 साल में पूरी तरह से भर जाएंगे, पूरी तरह से उनकी क्षमता भर जाएगी। उसके बाद हमें तुरंत बंदर लगेंगे ताकि हमारी जो बढ़ती हुई जो इंडस्ट्रियल पावर है एग्जिम, जो लोगों इंपोर्ट भी हो या एक्सपोर्ट भी हो, उसके लिए हमें एक नए बंदर की आवश्यकता है, जो जिसकी ज़रूरत ये बंदर पूरी करेगा। इस पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के साथ मिलकर वाढ़वण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड बना रहा है। ये किनारे से 6 किलोमीटर दूर समंदर में बनेगा। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे, साथ ही 4 बहुउद्देशीय टर्मिनल, 4 लिक्विड टर्मिनल, 1 रोरो टर्मिनल और 1 कोस्ट गार्ड टर्मिनल होगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का दावा है कि 76,220 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस बंदरगाह से 12 लाख स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तो 12 लाख पोर्ट से रिलेटेड जॉब वहाँ क्रिएट होंगे और उसके आधारित और जॉब क्रिएट होंगे, तो करोड़ों तक जा सकता है। तो हम लोग स्थानीय लोगों को स्किलिंग कर रहे हैं ताकि 90% जो ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं, जो स्किलिंग के रूप में दिए जा सकते हैं, वो उन्हीं को मिले। हालांकि वाढ़वण गांव और आसपास रहने वाले कुछ लोगों का इसे लेकर विरोध है। स्थानीय मछुआरों का आरोप है कि इससे उनके कामकाज पर असर होगा, समुद्र में भराव से गांव डूबने का खतरा है और जमीन अधिग्रहण से विस्थापन का भी डर है, साथ ही इलाके के पर्यावरण पर असर होगा। उनका कहना है कि पास में ही शंखोदर है जिससे लोगों का भावनात्मक लगाव है, इसके नष्ट होने का भी खतरा है। JNPA के मुताबिक विकास के लिए इस बंदरगाह की सख्त जरूरत है, क्योंकि जल्द ही मौजूदा बंदरगाहों पर और कंटेनर उतारने की क्षमता नहीं बचेगी। इसके बन जाने के बाद पश्चिमी समुद्र किनारे पर अगले 50 साल तक किसी और बंदरगाह की जरूरत नहीं होगी। इसका पहला फेज 2029 तक बनकर पूरा हो जाएगा और ये बंदरगाह देश के विकास का आदर्श मॉडल होगा। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। This will be the world.